और इस कड़ी में इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस कार्यक्रम के वरिष्ठतम सदस्य और गांधी को दशकों तक नजदीक से जानने पहचानने समझने की कोशिश करने वाले एक ऐसे विभूति को आमंत्रित करते और जिन्हें सुनने के लिए सभी लोग व्यग्र हो रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि कभी सम्मेलन में जाएं तो कभी सम्मेलन से निकलने के बाद व्यक्ति के शब्द और शब्दों का विन्यास बदल जाना चाहिए, उसी तरह से जब हम गांधी पर चर्चा कर रहे हैं, उस युग पुरुष पर चर्चा कर रहे हैं, वैसे में इस परिचर्चा के बाद स्वाभाविक है कि हमारे विचार हमारे स्वभाव में कुछ अंश तक ही यदि बदलाव आ पाता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। और मैं समझता हूँ कि बिना समय को नष्ट किए हुए मैं प्रोफेसर डॉक्टर आरपी द्विवेदी सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य शिक्षक और इस पूरे प्रोग्राम को हम स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनकी उत्कंठा उनके विचारों को परिमार्जित करने करने में हम सभी को सहयोग करें और हमें हमारे आपके साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं ये जानना चाहते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में जब हम गांधी के शैक्षिक दर्शन की बात करते हैं तो किस तरह से एज शिक्षक एज प्रिंसिपल एज ए टीचर हमें कैसे अपने आप को अपने संस्था को समाज को आगे बढ़ाना है। सर आपका हार्दिक स्वागत है, कृपया आप अपनी वाणी स्टार्ट कर सकते हैं, वक्तव्य को स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद शर्मा जी, आज की इस वेबिनार के उपस्थित उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन आदरणीय प्राचार्य डीपी शर्मा जी, अन्य प्राचार्यगण और वेबिनार में बैठे हुए पैनलिस्ट प्रोफेसर खान और हमारे गांधी चिंतन के जुड़े हुए दो अध्यापक अध्येता गांधी के ऋषभ मिश्रा जी, धनंजय जी और प्रिय छात्रों, हमारा सौभाग्य है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म पर आज हम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में आपसे वार्ता करना चाहते हैं और आपके कुछ जो प्रश्न है साधारणतया विद्यार्थियों में रहते हैं, अध्यापकों में रहते हैं, देश के लोगों में है, मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा अपने इस व्याख्यान के माध्यम से। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं, आरंभ करता हूं, केंद्रीय विद्यालय का जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, उसके ध्येय वाक्य से। एक लोगो पर होता है ध्येय वाक्य और केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी एक ध्येय वाक्य है, तत्त्वम पोषण अप्राभिरुं। ये क्या है, कभी हमारे विद्यार्थियों ने जानने की कोशिश नहीं की कि तत्त्वम पोषण अपावृणु क्या होता है। मैं बताना चाहता हूं इसका जो अर्थ है, वह इसे हमने यजुर्वेद के उपनिषद के 15वें श्लोक से लिया है जिसमें कहा गया है हिरणमयेन पात्रेण सत्यासाभिहितं मुखं तत्त्वम पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कहते हैं आराधना क्या हो रही है ईश्वर की, हे ईश्वर सबका भरण पोषण करने वाले हैं आप, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सत्य स्वरूप जो हिरणमय ज्योतिर्मय पात्र है जो ढका हुआ है, मुझे उस पात्र का ढक्कन उठाकर सत्य का दर्शन कराइए। यानी सत्य का दर्शन करना ही लक्ष्य है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, कि वह ज्योतिर्मय जो पात्र है उस पात्र के मुख को निकाल दें और हमारे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सत्य का उद्घाटन कराएं, सत्य का दर्शन कराएं और गांधी का जो लक्ष्य है वह सत्य की प्राप्ति है, सत्य का अनुसंधान है, या कहिए महात्मा बुद्ध के चार आर सत्य जो निष्कर्ष निकले हैं, तो गांधी का जो सत्य का प्रयोग है वह इसी उपनिषद के साथ केंद्रीय विद्यालय के ध्येय वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। गांधी है कौन, गांधी का वैशिष्ट किस बात में, गांधी है कौन,
मैं थोड़ी सी चर्चा करके अपने विषय पर आना चाहूंगा। गांधी के बारे में एक पत्र, फिजिसिस्ट बहुत बड़ा हुआ है, भौतिक विज्ञानी आइजनबर्ग, उसने अपने समकक्षी वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन को एक पत्र लिखा, और पत्र का मजमून क्या है, उसका क्या उसमें कंटेंट विषय वस्तु है, लिखा आइंस्टीन, वेस्ट हैज डेवलप ए शिप हैविंग ऑल कंफर्ट इन इट, वन थिंग इज मिसिंग दैट इज कंपास। इसका अर्थ क्या है, कहा देखो भाई आइंस्टीन, विश्व के पश्चिम देशों के लोगों ने, हम लोगों ने एक बड़ा युद्धपोत तैयार किया, जलपोत तैयार किया है, जिसमें जीवन की सारी सुविधाएं हैं, एक चीज नहीं है, कंपास, दिशा सूचक यंत्र। और दिशा सूचक यंत्र भारत के दो मनुष्यों के पास है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पास। ये संकल्पना है, ये सोच है भौतिक विज्ञान के श्रेष्ठ जो हमारे प्रोफेसर रहे हैं, अणु का अनुसंधान करने वाले और तत्कालीन भौतिक विज्ञान के शीर्ष पर पहुंचने वाले आइजनबर्ग और आइंस्टीन का। तो गांधी के बारे में क्या कहते हैं कि जीवन की नौका को विकास, हम अच्छे बिल्डिंग बना लें, अच्छे सड़कें बना लें, भौतिक ढांचा बहुत खड़ा कर लें, लेकिन मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता ही ना हो, तो ऐसे इस तमाम सारे भौतिक विकास की सीमाएं सीमित हो जाती हैं और व्यक्ति को संतोष प्रद जीवन नहीं मिलता है। इसलिए गांधी को जानना जरूरी है, एक बड़ा काम। दूसरा काम, एक बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, इतिहास वैज्ञानिक है, वो इतिहास के बड़े इतिहासकार हुए हैं, आर्नल्ड टाइनवी। आर्नल्ड टाइनवी ने दो विषयों का बड़ा अध्ययन किया, सैकड़ों सभ्यताओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला। दो निष्कर्ष उनके बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक भारत की संस्कृति से संबंधित है और दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। क्या कहते हैं आर्नल्ड टाइनवी, सैकड़ों सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद में आर्नल्ड टाइनवी ने कहा, विश्व की वे सभ्यताएं विलुप्त हो गईं, समाप्त हो गईं, नामो निशान नहीं है, जो भौतिकता और भोग पर आधारित थी वही संस्कृतियां अछूत रह सकी हैं, जो त्याग और सेवा पर आधारित है, और भारत की संस्कृति उसमें से एक है। यही कारण है भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद में शायर इकबाल भले हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए हो, लेकिन भारत पाकिस्तान एक ही संस्कृति के पहलू का अंश रहा है। तो इकबाल ने तभी तो लिखा था, यूनान मिश्रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो त्याग और सेवा की संस्कृति के संवाहक गांधी है। उनकी चिंता इस संस्कृति का क्षरण न होने पाए, और इसीलिए 1909 में जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तो कैल्डन कौशल जहाज में बैठ करके गांधी जी ने 20 अध्यायों वाली वो एक पुस्तिका, जो गांधी की गीता कही जाती है, हिंदू स्वराज लिखा। वो क्या है, वही आज हमारे अध्ययन अध्यापन का विषय होना चाहिए। मित्रों, तीसरा एक बड़ी बात, शिक्षा के आचार हम कैसे होने चाहिए। हम केंद्रीय विद्यालय, भारत का स्वर्णिम भविष्य केंद्रीय विद्यालय लाएगा, हम प्रार्थना करते हैं विद्यार्थी हमारे केंद्रीय विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में, कैसे आएगा वो, एक बड़ा बात है। सिकंदर महान जब हिंदुस्तान फतह करने के लिए निकला, तो अपने गुरु अरस्तु के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव मैं हिंदुस्तान फतह करने के लिए जा रहा हूं, मुझे बताएं मैं हिंदुस्तान जीतकर वहां से क्या ले आऊं। तो जानते हैं उसके गुरु अरस्तु ने क्या कहा, कहा सिकंदर अलेक्जेंडर, अगर हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हो तो वहां से जीत करके सोने चांदी लाने की जरूरत नहीं है, वहां से हीरे जवाहरात लाने की जरूरत नहीं है, और कहा वहां से हाथी घोड़े भी जीत कर लाने की जरूरत नहीं है, और वहां से गुलाम बनाकर लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। अलेक्जेंडर पूछता है, गुरुदेव फिर क्या दिया जा सकता है, युद्ध में तो राजा जीत कर अपने गुरु को यही भेंट करता है। कहा नहीं, अगर तुम ईमानदारी पूर्वक मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो और हिंदुस्तान फतह अभियान पर निकले हो, तो वहां से लौट कर आना, तो हो सके दो आचार्यों को ले आना, दो प्रोफेसर को ले आना। क्यों, दे नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड, वो ईश्वर के रहस्य को जानते हैं, दे नो द मिस्ट्री ऑफ नेचर, वो प्रकृति के रहस्य को जानते हैं, दे नो द मिस्ट्री ऑफ मैन, वो मनुष्य के रहस्य को जानते हैं। यह आचार्यों का अद्भुत वैशिष्ट था हमारे देश के आचार्यों का, जिसकी तरफ ज्ञान का असीम भंडार, जहां से तमाम विषय निकले। वो अरस्तु अपेक्षा कर रहा भारत के आचार्यों से, हमारा सौभाग्य आपका सौभाग्य है, हम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, चाहे वो
प्राथमिक स्तर से हो, माध्यमिक स्तर पर हो, डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में हो, ये हमारे देश में इस आचार्यों के उस जो भाव है, वो जो ज्ञान का असीम भंडार है, उसे प्राप्त करने की ललक हो, जिससे अपने विद्यार्थियों में ज्ञान को हम सम्यक तरीके से संप्रेषित कर सके। गांधी की चिंता क्यों है? मैं एक स्टेटमेंट गांधी का, 20 अक्टूबर 1931 को गांधी जी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर लंदन में व्याख्यान दे रहे, और उस व्याख्यान में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ईसा से 700 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान में चार बड़े शिक्षा के केंद्र थे, नालंदा, तक्षशिला, काशी और विक्रमशिला, और दुनिया के लोगों को आकर्षित किया इस देश ने, लोग आए। 1820 में हिंदुस्तान का जो साक्षरता दर था भारत का 33% था, 33%, इट वॉज हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व में 1820 में हिंदुस्तान की साक्षरता दर कितनी थी? 33%, जो विश्व में सर्वाधिक थी। और 1917 में साक्षरता दर कितनी हो गई? 7.2%। कितनी? 7.2%। गांधी इसी चिंता को व्यक्त करते हुए 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर लंदन में व्याख्यान दे रहे होते हैं और ललकारते अंग्रेजों को कि आपने पिछले 50 से 100 वर्षों में हिंदुस्तान के जो साक्षरता दर को इतना घटा दिया, 33% से 7% बढ़ा दिया, शिक्षा के लिए कोई काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। और यही कारण है, गांधी जी ने शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा, और यही कारण है गांधी के शिक्षा दर्शन पर शोध करने वाले प्रख्यात गांधीवादी जो अब नहीं रहे, आदरणीय धर्मपाल जी की एक पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें उन्हें लंदन जाकर के आर्काइव में बैठ करके उड से लेकर के और मैकाले तक के उनकी भारतीय संदर्भ में शिक्षा नीति और ब्रिटेन की शिक्षा नीति पर व्यापक प्रकाश डाला और कहा, हमारे देश का दोहन करने के संसाधनों के अलावा शिक्षा पर कोई विशेष प्रयोग वो लोग नहीं कर सके, हमारा सिर्फ उपयोग करते रहे, हम जो अपना मूल था, सार्वभौमिक मूल, उसे भी खोके बैठे हैं। तो गांधी जी की चिंता तब पैदा हुई, यही कारण हुआ कि 1931 में गांधी कहते हैं, 1917 में शिक्षा दर 7.2% है, और इसीलिए हमारे देश के बड़े मनुष्यों ने, अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती जी ने, तमाम सारे डीएवी कॉलेज की श्रृंखला जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत में खोली, और गांधी का राष्ट्रीय शिक्षा के तमाम विश्वविद्यालय खुले, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ और पुणे विद्यापीठ, 4 हिंदी प्रचारणी सभा दक्षिण भारत में, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 6 विश्वविद्यालय खुले। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपने देखा, जहां से हमारे खान साहब दीक्षित होकर के निकले हैं, शांतिनिकेतन देश का उत्कृष्ट संस्थान बनाया ब्रिटिश सरकार के भरोसे नहीं, और आरंभ कर दिया 1917 से ही, और 1947 तक आते आते शिक्षा का यह प्रतिशत 7.2% से बढ़कर के 17% तक हो गया, 10% बढ़ाया। ये गांधी का विशेष विशेष योगदान, इसको समझने की जरूरत है। हमारे देश का शिक्षा का ध्येय क्या है? सा विद्या या विमुक्ति, शिक्षा वही है जो मुक्ति प्रदान करे। वो मुक्ति कैसी हो? वो अज्ञानता से, जड़ता से, पूर्वाग्रहों से निश्चित मुक्ति हो, इन सब से मुक्ति होते हुए अंतिम में आत्मा का परमात्मा में विलय, पर ब्रह्म में विलीन हो जाना, उस लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य और जन्नत को प्राप्त करना, जो देखता है हमारे इस्लाम धर्म का कि हम जन्नत प्राप्त कर सके, दोजख में जाना पड़े, ये वहां तक की शिक्षा, हमारी भौतिक शिक्षा से लेकर के वो लौकिक पारलौकिक शिक्षाओं का एक बड़ा लक्ष्य हमारे पास था। एक बार काशी में मैं काशी का रहने वाला हूं, काशी में 2 आए, एक तो अमेरिकन कंप्यूटर एक्सपर्ट आया, ताज होटल में टिका वहां, और दूसरा भाषा विज्ञानी आया लंदन से, और दोनों गंगा घाट पर गए घूमने के लिए। वहां पर एक मल्लाह के बच्चे छोटी मोटी अंग्रेजी बोलते हैं और कहा, कम कम सिट सीट बोटिंग बोटिंग बोटिंग, इतना ही अंग्रेजी जानते हैं बच्चे, और बैठ गए दोनों। अमरीका वाला कंप्यूटर साइंस का बैठ गया और जो दूसरा था भाषा विज्ञानी वो बैठ गया अभी नाव पे, और नाव चलाने लगा पतवार, छोटा बच्चा जो है। पूछा उससे पहले भाषा वाले ने, डू यू नो इंग्लिश? उसने कहा, बिल्कुल नहीं जानते, थोड़ी थोड़ी जानते, नहीं जानते, यू हैव लास्ट 1/3 ऑफ लाइफ, अंग्रेजी नहीं जानते हो तुम, क्या आधा एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। वो चुप रहा, फिर नाव आगे बढ़ी। जो अमेरिकन कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट था उसने कहा, डू यू नो कंप्यूटर ऑपरेशन?
इन द 20th सेंचुरी, जब तमाम सारा दुनिया में उपकरण आ गए हैं, 4G वाला मोबाइल आ गया है, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तब भी तुम नहीं जानते? उसने कहा नहीं, आई डोंट नो ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, मैं नहीं जानता कंप्यूटर चलाना, यू हैव लास्ट 2/3 ऑफ लाइफ। बड़ा गुस्सा लगा उसको, 2/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नाव आगे बढ़ी, हवा का झोंका आया, उसने पूछा डू यू नो स्विमिंग, तैरना आता है? कहा नहीं। कहा तो आप लोगों का पूरा जाने वाला है। गांधी ने अंग्रेजी न पढ़ाया हो, गांधी जी ने कंप्यूटर की शिक्षा न दी हो, लेकिन जीवन को कुशलता पूर्वक जीने और प्राप्त कर उस लक्ष्य तक जाने का एक मार्ग गांधी ने दिया, उस शिक्षा दर्शन के अभिप्राय का बड़ा विषय। तो साविद्याय मुक्त थे, गांधी ने शिक्षा के लिए प्रयोग किए हैं, बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लोगों ने अंतिम वक्ता के सामने समस्या होती जो पूर्व वक्ता कह चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति न हो, लेकिन गांधी ने शिक्षा के प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले हैं। गांधी ने शिक्षा का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, टॉलस्टॉय आश्रम में 1910 में स्थापित हुआ। कैलन बैक उनके मित्र है, वो 3 पुस्तकों को पढ़ करके, टॉलस्टॉय को पढ़ करके, जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट को पढ़ करके, सर डेविड थ्योरो को, हेनरी थ्योरो को पढ़ करके, थ्योरी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस को पढ़ करके, तीनों का एक सम्यक प्रयोग करना चाहते थे सर्वोदय का, और एक बड़ा 100 एकड़ का फार्म कैलन बैक ने दिया, और वहां पर उन्हें 70 परिवार रहते थे, तमिल के, गुजराती के, कुछ बंगाल के, कुछ हिंदी भाषी बेल्ट के, वो 70 जो परिवार थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए गांधी स्वतः पढ़ाते थे, कैलन बैक पढ़ाते थे। वहां गांधी ने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा, आत्म उत्थान के लिए शिक्षा, ईश्वर अनुभूत के लिए शिक्षा, ये सारे प्रयोग उनके साथ किए। कैलन बैक ने चमड़े का चप्पल बनाना सीखा, बच्चों को सिखाया, वहां जात धर्म का विषय नहीं था। और गांधी का एक जो बड़ा लक्ष्य था, मैं शिक्षाविदों के बीच में बोल रहा हूं, गांधी का लक्ष्य था सामुदायिक जीवन जीने की कला विकसित करना, कम्युनिटी लाइफ। अकेले लाइफ तो कोई रह लेगा, समुदाय में रह करके पूरे समुदाय के साथ, अरे हम उस देश के रहने वाले हैं जहां आचार बोलता है सहन व सहन गुण सह विलियम करवावे, हम साथ चले, साथ बैठे, साथ चले, साथ बोले, साथ काम करें। तो कम्युनिटी लाइफ डेवलप करने के लिए गांधी ने, दूसरी गांधी ने का पूर्वाग्रह तोड़ना है। गांधी के शिक्षा का जो है 1917 से लेकर के 1930 तक तमाम सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना गांधी ने तो की ही, वहां प्रयोग किया, प्रयोग करके चंपारण में आते हैं। चंपारण में गए थे नीलों की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए, तत्व संकलन के लिए गए थे, लेकिन वहां शिक्षा के जो निम्न स्तर को देखा तो गांधी 7 महीने रह गए, सदाकत आश्रम बना और वहां के साथ तमाम सारे गांव में शिक्षालय खुले। और हमारे यहाँ धर्मपाल जी ने लिखा है, हम इतने कमजोर नहीं थे, क्योंकि 1835 में एडियम विलियम्स ने एक सर्वे करके बताया कि बिहार 1835 में हिंदुस्तान के बिहार और बंगाल में 1,00,000 विद्यालय थे, और मद्रास प्रेसिडेंसी के हर गांव में एक विद्यालय था, एक बड़ी उपलब्धि थी। उसको हमने विनष्ट कर दिया था, उसको फिर से खड़ा करना था। तो गांधी ने पूरे चंपारण में 7 महीने रह के खुद पढ़ाया, माँ कस्तूरबा शिक्षक का काम करती थी, पढ़ाती थी बच्चों को, एक बड़ा अभियान। तो गांधी प्रयोग धर्मी है, और गांधी ने रखा क्या लक्ष्य, रखा वर्धा शिक्षा योजना। 1930 में जब निकले दांडी मार्च के बाद, तो उन्होंने कहा मैं लौट करके साबरमती नहीं आऊंगा जब तक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लूंगा। साबरमती आश्रम छोड़ करके वर्धा में केंद्र बनाया, और वहां जो प्रकल्प चलाए उन्होंने, उस प्रकल्प के साथ वर्धा से शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा की 1937 जो चली जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, उसके जो 4-5 बड़े फलक है उसका उल्लेख करके मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि 10 मिनट का समय मेरे पास और शेष है, मैं 20 मिनट में ही समाप्त करना चाहता हूं एज पर डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना में कहा कि 6 वर्ष तक के बच्चे को 6 वर्ष तक की शिक्षा स्टार्ट की जाए, शिक्षा की जो अवधि है वो 6 वर्ष की हो बुनियादी शिक्षा की, और कहा इतने वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। फिर उन्होंने कहा प्रांतीय भाषाओं को भी जो है उपयोग, मातृभाषा का उपयोग किया जाए, इसका उल्लेख किया उन्होंने। उन्होंने 2 बातें कहा, धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए बुनियादी शिक्षा में, और दूसरे का अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, हमें इस पर ध्यान देना है। और शिक्षा के केंद्र में रखा सामाजिक और आध्यात्मिक मूल केंद्रबिंदु में होंगे, ईश्वर की आस्था पैदा करने वाली शिक्षा होगी अपने अपने धर्म को, और कहा सर्वधर्म संभाव, हर धर्म के प्रति। मित्रों, खान साहब बैठे हुए हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी दूज के चांद को देखने के लिए 5 वक्त की नमाज रखते हैं, जकात करते हैं, दिखाई पड़ता, पूरी दुनिया के लोग गले मिलते हैं,
उसी दूज के चांद को भगवान शंकर अपने मस्तक पर रखते हैं। इसका मतलब पैगंबर साहब का वो पावर लॉर्ड शंकर की तरह है या लॉर्ड शंकर उस सुप्रीम पावर को रियलाइज करते हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं बता सकते। ये हमारे जो सूफी संत हैं, फकीर हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने किया। तो ये हमें धर्म को समाप्त कर सर्वधर्म संभाव की शिक्षा, जैसे अपने धर्म का आदर करते हैं अगले धर्म को दे। तो गांधी ने उस पर कहा, क्योंकि कौमी एकता उनके रचनात्मक कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा था, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है तो एक बड़ा काम। मैं लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षा, I request to all the principal, those who are hearing to me today, what is the democracy? What are the pillars of democracy? तो गांधी जी ने कहा, डेमोक्रेसी के चार बड़े स्तंभ हैं। First, believe in diversity. एक जैसे लोग नहीं हो सकते। अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना बड़ा राष्ट्र है, इस अखंड भारत को, अतुल्य भारत को अगर अक्षुण बनाए रखना है, इसको खड़े रखना है, तो डाइवर्सिटी में बिलीव करना पड़ेगा। रावण और विभीषण एक जैसे सगे भाई नहीं थे, एक ही बाप के पुत्र थे, तो कैसे हो जाएंगे कि एक हमारे विचार के लोग पूरे देश के लोग हो जाए? इसकी आग्रह करने वाले लोग देश को कमजोर करने वाले लोग हैं, इसलिए विविधता को महत्व दिया जाए और विविधता में एकता को ढूंढने की कोशिश की जाए। और दूसरा, डायलॉग इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सभी समस्याओं का समाधान संवाद से निकलेगा, संघर्ष नहीं निकलेगा। तो संवाद होना चाहिए। गांधी ने कोई भी आंदोलन चलाने के पहले संवाद किया, तो संवाद होना चाहिए। बिना संवाद के कोई काम नहीं होना चाहिए, संवाद ही विकल्प है। और तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी ने कहा, मैं देश के सच्चे विकास को तब देखूंगा जब सत्ता राजधानी केंद्र और राज्य के केंद्रों में सीमित न रहे, राजधानियों में, ये 7,50,000 गांव में जा जाए। हम वी आई वांट टू सी द रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक विलेजेस ऑफ इंडिया। मैं ग्राम गणराज्य, जो पहले ब्रिटिश इंडिया के पहले देश का संकल्प था, हम वहां ले जाना चाहते हैं इसको। एक बड़ा उनका था। और जो अंतिम था, बहुत महत्वपूर्ण था, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग, हर व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करना। रिक्शा पुलर है, कुष्ठ रोगी है, बीमार है, पाहिज है, वो भी हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य है, उसका आदर और सम्मान किया जाए। ये चार मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए थी। हम अपने क्लास में जब जाएं तो इस बात का जरूर उल्लेख करें, कौमी एकता का भाव हो, व्यक्तियों के सम्मान का भाव हो, रिक्शा पुलर को भी इज्जत मिलनी चाहिए, भाई साहब कहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम अर्न करने वाला है तो उसकी डिग्निटी का हम सम्मान न करें। और इसीलिए कहा गया हमारे धर्म संसद में, हमारा जो वेदों में कहा गया, जायते वादे वादे जायते तत्त्वबोधः, truth is discovered, assimilated, our experience by debate and discussion. हमने लोकतंत्र की जो सीख है, राज्यसभा और लोकसभा बनाया, पश्चिम से नहीं बनाया है। हमारे देश में जैन निषादवाद है, हम जो कहते हैं वही सही नहीं है, सत्य के कुछ अंश सब में है और सबको मिलकर संवाद के लिए एक बनती है लोकसभा राज्यसभा, सबकी बातों को महत्व कर। यह आग्रह हो जाए कि मैं ही सत्य हूँ, विपक्ष असत्य है, विपक्ष सोचे मैं ही सत्य हूँ, सत्ता पक्ष असत्य है, तो देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत नहीं होगा। दिस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी एस्टेब्लिश फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एट द इंस्टीट्यूशन, एट द इंटरमीडिएट लेवल। सिंस यू ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द केंद्रीय विद्यालय, तो डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू दैट यू जस्ट बिल्ड अप एंड डेवलप दिस पिलर जस्ट टू मूव द इंडिया फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और अगली बात है, गांधी ने शिक्षा की बात कहा, तो डेवलपमेंट ऑफ 3 कैपिटल H, डेवलपमेंट ऑफ हैंड, हेड और हार्ट। हेड का मतलब क्या है? बौद्धिक शक्ति का विकास, निरक्षर विवेक, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसका जो तय करने का काम बुद्धि का है, इसका विकास हो। और दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ हैंड, शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा का भाव है। हम पढ़ लिख लेते हैं तो घर के छोटे मोटे काम में, हमारी घर की बच्चियां जो सुन रही होंगी केंद्रीय विद्यालय की, मेरा उनसे निवेदन है, उस घर की माँ को देखो जो सुबह 5 बजे उठती है, बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है, तुम्हारे लिए टिफिन तैयार करती है, और तुम पढ़ती, इंटर करती हो, बीए करती हो, कहती माँ ये काम नहीं करेंगे, अनपढ़ भी यही काम करता है। यू फैसिलिटेट योर मदर एट द होम। एक बच्चा जो पशुपालन करके अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराता है, अगर वो कहे पढ़ने के बाद हम नहीं करेंगे, तो गांधी ने कहा शारीरिक श्रम के बिना शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है। हर व्यक्ति में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा का भाव जागृत हो, उन्हें आदर के साथ देखे, मजदूरों को हम कमजोर रह के, जिनकी वजह से देश टिका हुआ है, जिसकी वजह से हमें दाना पानी मिल रहा है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर मस्ट बी देयर। और तीसरी जो बात कहा, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। आज शिक्षा सरकार का बस चले तो लोगों की खोपड़ी खोलकर सुपर कंप्यूटर डाल दे और कह दे यही एजुकेशन है,
जब तक मनुष्य में आदर्श मनुष्य का निर्माण न हो, प्रेम दया करुणा सत्य सहयोग साचर्य सही समुदाय की भावना जैसे मौलिक गुण जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, आदर्श मनुष्य बनाते हैं, जानवर से पृथक करके उसे मनुष्य का वातावरण सामाजिकरण करते हैं, जब तक न हो जाए तब तक शिक्षा का कोई फलक और आयाम नहीं है। हमने पिछले 60-70 वर्षों में आजादी के बाद हमने बौद्धिक शिक्षा पर विशेष बल दिया, लेकिन गांधी के जो दो विषय थे, डेवलपमेंट ऑफ हर्ट आत्मा का विस्तार, मन पर नियंत्रण इंद्रिय निग्रह करने की बात, और हमने बार बार कहा गांधी चिंतन में एक बड़ी बात है, गांधी के शिक्षा से जो रोजगार मिलने वाला है उस रोजगार को भव्यता के साथ न जोड़े। गांधी चिंतन में हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस एंड डेवलप इंडेक्स दो चीजें हैं। डेवलप इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम देखते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं, उससे तय करते हैं, और हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी प्रसन्नता मुझे है, हम कम खा करके कम कपड़े पहन करके भी अगर बहुत प्रसन्न अनुभव करते हैं और बहुत प्राप्त करके, आपने देखा, आई हैव सीन इट इन द लास्ट 3 मंथ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बॉम्बे बॉलीवुड, रिचेस्ट पीपुल हैं, बड़ा पैसा कमाया, कूद करोड़ों में चर्चा होती है, लेकिन शांति नहीं, ड्रग पी रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, चिंता का विषय नहीं है क्या? एक बात, और दूसरी बात और भी देखते हम हैं वहां, आज जिस तरीके से हिंसा पूरे देश में, एक प्रांत में नहीं हर प्रांतों में, जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हमें दिखाई पड़ रहा है, हमें लगता है गांधी के जो हृदय विकास की बात थी वह हम अपने विद्यालयों में बच्चों में समाहित नहीं कर पा रहे। तो मुझे शिक्षा के इस दर्शन में गांधी के शिक्षा का हृदय का परिवर्तन हो, हृदय का विस्तार हो। हम ईमानदारी की बात है, लेट मी चेक आवर सेल्फ, जितना समय अपने बच्चों को योग्य बनाने में देते हम हैं, घर में एक माँ अपने बच्चे को, एक टीचर अपने बच्चे को उसके बोलने चालने उठने की स्टाइल से लेकर उसके जीवन शैली को नियमित करने का प्रयास करता है ईमानदारी पूर्वक, वी हैव टू चेक आवर सोल फ्रॉम दैट एंगल, वी जस्ट वी हैव विद आवर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस। हम अपने 40 बच्चे अगर हमारे हैं तो 40ों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनकी शक्ति क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा शिक्षक आचार्य वह है, आई हैव सीन 2-3-4 प्रिंसिपल्स आई इंटरेक्टेड विद देम केंद्रीय विद्यालय। मुझे एक ऐसे आचार्य मिले, मैं आज तक उन्हें याद करता हूं, वो अपने विद्यालय के अगर 1200 बच्चे थे तो कम से कम 700-800 बच्चों का चेहरा देखकर नाम जानते थे, निकलते ही बच्चे को पकड़ते थे, आजा बेटा बैठ जाओ, बगल बिठाते थे, उसका डिब्बा चेक करते थे, खाना लाया कि नहीं लाया, पापा तुम्हारे क्या करते हैं। भाई जिसमें दैट प्रिंसिपल कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ द थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर सो डिसिप्लिन, अगर बच्चे को हो जाए कि मेरे पापा से परिचय हो गया इनका तो फिर क्या बात है। तो ये जो है कि हमें विद्यार्थियों के साथ आत्मा से जुड़ना है, सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है। अर्लियर टीचिंग वाज द प्रोफेशन, वी कन्वर्टेड, अर्लियर इट वाज द मिशन, नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू द प्रोफेशन। आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द केंद्रीय विद्यालय सेंटर, नाउ वंस अगेन वी हैव टू चेंज द ट्रैक फ्रॉम द प्रोफेशन, वी हैव टू रिटर्न टू द मिशन, वी वांट टू सी आवर स्टूडेंट्स दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर नॉट डूइंग देमसेल्फ फॉर द ओनली द लीव इन एलिनेशन, वी हैव टू प्रिपेयर देम टू बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो सामुदायिक विकास के लिए, उनका विकास हो, ज्यादा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, रोल मॉडल टीचर ही पहले होता है उसके विद्यार्थी के लिए, अगर हम लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति सजग हो जाएंगे। यू सजेस्ट योर स्टूडेंट्स दे शुड ब्रेक द फ्रेम फ्रॉम द अदर रिलीजन, एक हिंदुस्तान का हिंदू एक विद्यार्थी तय कर ले कि अपने जीवन में एक मुसलमान विद्यार्थी को अपना परम मित्र बनाना है, हिंदुस्तान से सांप्रदायिक तनाव एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। हमें भावना विकसित करनी होगी, हमें लाना होगा व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनल हार्मोनी, वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट इन आवर करिकुलम, जिससे हम देश को एक बड़ा मजबूत प्रदान कर सके और देश के विकास, एक बालक का जब विकास करते हैं तो वह समर्थवान बन सके स्वतः के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। गांधी ने कहा राष्ट्र के अतीत के इतिहास को जानना, राष्ट्र के तमाम जो हमारी संपदा है उसे जानना भी है, तो रिस्पेक्ट स्वदेशी की बात किया गांधी ने, तो क्या कहा उन्होंने, स्वदेशी की डिफिनेशन दिया, वी हैव टू डेवलप द सेंस ऑफ द कम्युनिटी, वी हैव टू डेवलप द सेंस ऑफ नेशन, कैसे का अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोक उत्पाद है, जो लोक संस्कृति है, जो वेशभूषा है, पहनावा है, उसके प्रति आदर का भाव हो, सम्मान का भाव हो, तब हम 26 जनवरी के परेड में जब देखते हैं अलग अलग प्रांतों की झांकियां, तो एक सीना गर्व से होता है और भी कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। ये अतुल्य भारत का जो टेस्ट है, ये वी हैव टू डेवलप
मुझे करना है अध्यापक, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। गांधी ने शिक्षा का प्रयोग कर हमारे देश में 7 पापों को समाप्त करने की अपेक्षा की। उस 7 पाप आप पेन डाउन कर देंगे, व्हेन एवर नेक्स्ट टाइम यू विल कॉल मी आई विल डिलीवर व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय और एनी विद्यालय। तो गांधी जी ने कहा 7 सामाजिक पापों को दुनिया से समाप्त करने का एक बड़ा संकल्प लेना होगा और शिक्षा जगत इसका मूल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको दूर करने का। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज वन काइंड ऑफ सिन, गांधी ने कहा 1925 में। चरित्र रहित ज्ञान किसी काम का नहीं है। लाखों लाख विद्यार्थी बैठते हैं आईएएस बनते हैं, पढ़ाते हैं उन बच्चों को हर केंद्रीय विद्यालय में, आईएएस निकलते हैं, इफ द करोड़ एंड करोड़ रुपीज आर फाउंड अंडर द बेड ऑफ द ब्राइट। लानत है ऐसे आईएएस बनने पर। आईटी पहले हमारे जमाने में बहुत, ब्रिटिश जमाने में कुछ ही इंस्टीट्यूशन थे, वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप। आज विश्वेश्वरैया उन्हीं विद्यालयों से निकले, इंजीनियरिंग कॉलेज से, दे कॉन्स्ट्रक्ट द डैम, दे कॉन्स्ट्रक्ट द बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। आज भी स्ट्रेंथफुल खड़ी है। नाउ वी हैव 11 आईआईटीज, नंबर ऑफ एनआईटीज, यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ मशरूम टाइप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। इवन दे कॉन्स्ट्रक्ट द बिल्डिंग, इट कोलैप्स विद इन 3 मंथ। इट इज नॉट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। हम डॉक्टर, लाखों लड़के बैठते, हर गार्जियन चाहता, मेरा अभिभावक चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं रक्षा करूंगा। और डॉक्टर के पास आज के डेट पे कोई गार्जियन अपने बच्चे को लेकर जाता है तुरंत सरेंडर करता है, लेकिन बॉडी इंडिकेट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, इवन देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट फॉर व्हाट पर्पस, जस्ट टू गेट द कमीशन फ्रॉम द पैथोलॉजिस्ट। इज इट नॉट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। तो नाउ वी हैव टू वर्क नॉट फॉर द नॉलेज बिल्डिंग, वी आर टीचर सपोज टू डू फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो चरित्र के निर्माण के साथ ज्ञान का निर्माण होता है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विद दीस वर्ड्स आई सम अप माय डिलीबरेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, आई जस्ट कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वक्तव्यों को। कुछ एक शब्दों या वाक्यों में समाहित करना काफी कठिन है। निस्संदेह हम सभी शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस मायने में अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि हमारे बीच खास करके स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए लोग के ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है और उनका यह सौभाग्य भी है कि उनके पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनमें हम परिवर्तन की सभी संभावनाओं को अपने हिसाब से तराश सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और आने वाले भविष्य का नागरिक बना सकते हैं। आपने जो जिम्मेवारियां दी हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राचार्य और शिक्षकों को कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक, जनमानस तक पहुंचाएं और आने आने वाली सभी पीढ़ियों में जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उनके अंदर इस बात को स्थापित कर पाए कि ये हमारे भारतवर्ष की सुंदरता है, ये वैविध्य ही, ये अनेकता ही हमारी एक खूबसूरती है। और ये जो 4 वाक्य आपने बताए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डायलॉग इज सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, dignity of individuals, और इसके साथ ही तत्त्वम पुष्णं अपाबिनो, कौमी एकता या सामाजिक सौहार्द, सर्वधर्म संभाव इत्यादि, इन सभी नैतिक मूल्यों को हम सभी प्रयास करेंगे और अपने जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक मित्र, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, इन सभी के तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं, हालांकि हम लोग प्रयासरत हैं, इस दिशा में कार्यरत हैं और निरंतरता हमारे प्रयास में बनी रहती है, फिर भी जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता होगी, और आवश्यकता हर सिस्टम में सुधार की हमेशा बनी रहती है, जब हम कहते हैं कि हमारे सुधार की आवश्यकता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि हम कुछ नया नहीं करना चाहते। तो निस्संदेह हम सुधार की आवश्यकता को समझते हैं और सुधार के लिए अग्रसर और प्रेरित भी हैं और आपने बताया कि हम शिक्षकों के लिए, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए
आप सदैव उपलब्ध हैं और आप चाहेंगे कि हम शिक्षकों के साथ इस विषय पर संवाद हो कि व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर्स इन प्रेजेंट कंटेस्ट, हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, हाउ टू इम्पार्ट द एजुकेशन, द रियल एजुकेशन व्हाट आवर बिलव्ड गांधी जी वांट्स टू इम्पार्ट टू आवर स्टूडेंट्स. Surely, sir, very shortly, I will try to coordinate such type of activity and invite you. And